तो कुछ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रियाएं के अभी बाकी रह गए थे, जिसमें हम बात किए थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक, और अगले रिएक्शन के बारे में अभी जिक्र नहीं हो पाया। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अगले रिएक्शन के बारे में। अगला रिएक्शन आपका है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल का मतलब दो होता है, सब लोग जानते हैं। इससे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम लोग बात किए थे, तो उसमें केवल एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा था दूसरे एलिमेंट को। एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उभय विस्थापन, उभय विस्थापन अभिक्रिया, या फिर आप लोग डबल डिस्प्लेसमेंट को एक और नाम से बुला सकते हैं, द्विविस्थापन। क्लियर है? द्विविस्थापन अभिक्रिया भी इसे बोल सकते हैं सभी लोग। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है समझने के लिए आप लोग ये देखिए, ए बी और सी डी ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि ए वाला एलिमेंट सी को और बी वाला डी को डिस्प्लेस करके आपस में जुड़ जाएंगे। यानी ये अगर सी को डिस्प्लेस करता है तो भाई एडी के साथ जुड़ेगा और बी सी के साथ जुड़ेगा। इसमें दो दो एलिमेंट को क्या करेंगे, दो इसमें दो एलिमेंट दो दूसरे वाले दो एलिमेंट को डिस्प्लेस करेंगे, यानी कि विस्थापित करेंगे। डबल का मतलब होता है दो, द्वि होता है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसमें दो दो एलिमेंट की बात होगी जो कि डिस्प्लेस करेगा दूसरे एलिमेंट, दो एलिमेंट को। ठीक है, क्लियर है? इसका एग्जाम्पल देखिए सभी लोग, इसका एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया है। सोडियम सल्फेट जब रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड के साथ, सोडियम सल्फेट सोडियम डिस्प्लेस करेगा किसको, क्लोराइड को, और इसी किसके साथ जुड़ेगा, बेरियम के साथ। और ये जो सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो सब लोग जानते ही हैं क्या मिलेगा, NaCl, और बेरियम किसके साथ जुड़ जाएगा, सल्फेट के साथ, तो बन जाएगा बेरियम सल्फेट। बैलेंस करिए इसको, सोडियम यहाँ पे कितना है, सॉरी यहाँ पे सोडियम कितना होगा, दो होगा, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है, सॉरी -2 होती है, और सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है, तो सोडियम इसको बैलेंस करेगा कितने से, +2 से। और जाहिर सी बात है नॉर्मली सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है, जब सल्फेट वहां पे -2 में है तो सोडियम +2 में हो जाएगा। तो सोडियम यहाँ पे 2 होगा, सल्फेट यहाँ -2 में है तो सोडियम सल्फेट जब डिस्प्लेस, सॉरी इसमें सोडियम किसके साथ जुड़ जाएगा, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो ये NaCl बनाएगा, अब जाकर के इसे N2 लगाएंगे तो रिएक्शन बैलेंस होगा। और इस रिएक्शन में खास बात आप लोग को मिलती है कि जो बेरियम सल्फेट होता है, बेरियम सल्फेट यहाँ पे PPT के फॉर्म में होता है, और वह भी कैसा, व्हाइट सफेद अवक्षेप इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, सफेद अवक्षेप, सफेद अवक्षेप, व्हाइट PPT। वाई पी पी टी जानते हैं आप लोग क्या होता है, जिससे कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है जो टेस्ट ट्यूब होता है, तो ये जो पार्ट आपका बेरियम सल्फेट का इनसॉल्युबल होता है, यानी कि अघुलनशील होता है, जो कि टेस्ट ट्यूब में नीचे नीचे वाले पार्ट में यहाँ पे जाकर के बैठ जाता है। इसका कलर कैसा, व्हाइट, वाई पी पी टी के फॉर्म में वो नीचे इनसॉल्युबल होता है जो बैठ जाएगा। ठीक है, और क्या और एग्जाम्पल देखिए, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करेगा NaCl के साथ, यानी सोडियम क्लोराइड, तो क्या बनेगा आपका, AgCl। ये Ag डिस्प्लेस किया किसको, Na को, तो Cl के साथ ये जुड़ जाएगा, और आपका NaNO3 के साथ, NaNO3 क्या हो जाएगा भाई आपका, सोडियम नाइट्रेट। AgCl भी आपको यहाँ पे किसमें मिलेगा, वाइट PPT के फॉर्म में, व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में, यानी कि सफेद और छेद, ये भी आपका पार्ट इनसॉल्युबल अघुलनशील है। समझ आया सबको, बोलिए, डबल डिस्प्लेसमेंट समझ आया सबको, देखिए इधर ध्यान से, सोडियम सल्फेट जब रिएक्ट किया है बेरियम क्लोराइड के साथ, तो सोडियम वाला पार्ट इसको डिस्प्लेस किया किसको, क्लोरीन को, बेरियम को, तब ये जुड़ गया सोडियम इसके साथ क्लोरीन के साथ, तो बन गया NaCl, और बेरियम सल्फेट के साथ तो बेरियम सल्फेट, जो कि बेरियम सल्फेट उस रिएक्शन में वाई पीपीटी के फॉर्म में है।
और इसमें सिल्वर नाइट्रेट NaCl के साथ रिएक्ट किया तो AgCl बना और सोडियम नाइट्रेट बना। AgCl आपका YPPT के फॉर्म में नीचे इनसॉल्युबल हुआ, अघुलनशील हुआ, जिसके कारण नीचे बैठ गया रिएक्शन में। तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन, इसको जल्दी फटाफट कॉपी करिए, फिर अगले रिएक्शन के बारे में बात करिए। हो गया सबका, इसको पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए जो अगला रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि दो चीजें आपको मिलती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रेडॉक्स में हम लोग देख सकते हैं, रेडॉक्स में रेड जो है ये किससे भाई स्टैंड करता है, किसको स्टैंड करता है, रिडक्शन को। रिडक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में, हम अपचयन रिडक्शन। और ये जो आपका वो एक्स है उसको, वो किसको स्टैंड करता है, ऑक्सीडेशन को। यानी कि रिडॉक्स में आपको दो चीजें दिखाई दे रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिडॉक्स का डिफिनेशन में ही होती है, ऐसे रिएक्शन जिसमें आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों दिखाई दे उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों सम्मिलित हो। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन को बोलते हैं क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण ये छोटे क्लासों में क्या बताया जाता है भाई, कि कोई भी मान लीजिए कोई कंपाउंड है, जब उसमें ऑक्सीजन का ऐड क्या हो, ऑक्सीजन का ऐड और मतलब ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन जब उसके साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन जब जुड़ेगा किसी भी कंपाउंड के साथ तो ऑक्सीकरण होता है। बट उसी कंपाउंड में जब हाइड्रोजन रिमूव हो यानी कि लॉस हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस हो, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का लूसन है, ह्रास होना, उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इससे एग्जांपल दिखवा दे रहे हैं, लिखवा दे रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा। इससे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। तो इस कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, जुड़ने के बाद कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो यहाँ पे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। वैसे ही जिंक है, जिंक ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो बनाएगा ZnO, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड यहाँ बन रहा है तो यहाँ इसको बैलेंस कर लीजिए, पूरा आयरन करके यहाँ पे टू लगा दीजिए, सॉरी यहाँ जिंक ऑक्साइड है ना, सॉरी टू रहेगा यहाँ पे, सुनना है सबको। जिंक ऑक्साइड में किसका एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इसमें भी हो रहा है, तो ये किसका एग्जांपल हुआ, ऑक्सीडेशन का यानी कि ऑक्सीकरण का। एक बढ़िया सा एग्जांपल देखिए सभी लोग, वो ज्यादा क्लियर करेगा ऑक्सीडेशन को। ये तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के थे, हाइड्रोजन सल्फाइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या हो रहा है, देखिए इधर ध्यान से सभी लोग, कि हाइड्रोजन सल्फर के साथ जुड़ा है तो अब ये सल्फर को हाइड्रोजन छोड़ेगा, मतलब यहाँ से रिमूव होगा। तब सल्फर को ये हाइड्रोजन छोड़ने के बाद अब यहाँ पे क्या बना देगा, HCl बनाएगा, और HCl बनाने के बाद सल्फर अलग हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, तो सल्फर सिंगल फॉर्म में दिखाई देगा।
तो सल्फर को जब हाइड्रोजन यहाँ से छोड़ रहा है, यानी कि किसी भी कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन रिमूव होता है, तब भी क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे बैलेंस इसको आप कर सकते हैं टू लगा करके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिमूव ऑफ या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये किसको दर्शाता है भाई, ऑक्सीकरण। समझ आ रहा सबको, बोलिए इसको जल्दी से कॉपी करिए, मिटाया जाए, मिटाया जाए। चलिए रिडक्शन, अगला रिएक्शन है रिडक्शन, यानी कि अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन में क्या होता है, वही चीज, कोई एक कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन का एडिशन होगा और उसमें रिमूव ऑफ किसका, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड या फिर और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का संयोग होना, हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का ह्रास। जब किसी भी कंपाउंड के साथ या किसी भी एलिमेंट के साथ, किसी भी तत्व के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन निकलता है, तब उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं, यानी कि रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, आप जाएंगे हर क्लास में या फिर जब समझ लीजिए, अभी जब ऑक्सीकरण संख्या जब आप लोग जानेंगे तो उसमें क्या होगा कि जब रिएक्टिंग से प्रोडक्ट की तरफ में जब ऑक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो इंक्रीज होता है, जब बढ़ता है ऑक्सीडेशन नंबर, तब भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। वही जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज होगा, मतलब वहां पे जब घटेगा, ज्यादा से कम होगा तो अपचयन होगा। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है, कम से ज्यादा की तरफ जाता है तो ऑक्सीकरण, और ज्यादा से कम जाएगा तो अपचयन। ये बात दिमाग में रखिएगा। फिलहाल आप लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में जिक्र करके समझिए अपचयन को। हाइड्रोजन जब जुड़ता है, ऑक्सीजन जब निकलता है, यानी हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का ह्रास, ये कहलाता है अपचयन, यानी कि रिडक्शन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए सभी लोग, इसका एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड के साथ जब H2 से रिएक्ट करवाएंगे तो बनता है H2O, और यहाँ पे कॉपर अलग हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कॉपर ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें कॉपर ऑक्सीजन में क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा था ये अलग हुआ, और हाइड्रोजन क्या हुआ, इसमें हाइड्रोजन के साथ, देखिए सॉरी, कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा था, कॉपर ऑक्सीजन को छोड़ दिया, यानी कि ऑक्सीजन इसमें से अलग हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन अलग होगा, यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो ऑक्सीजन जब अलग होगा तो क्या होगा भाई, अपचयन होगा। समझा सबको, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैस में है, ये लिक्विड में है, और ये भी आपका सॉलिड है। तो ये अपचयन यहाँ पे हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन से देखेंगे हम क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब रिमूव होगा तो अपचयन। ठीक है, एग्जांपल और देख लीजिए, यहाँ एग्जांपल लिख देना, तो एग्जांपल था, ये एग्जांपल है H2Cl2, यानी हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ जुड़ता है, यहाँ सनलाइट होगा, प्रकाश होगा, प्रकाश की उपस्थिति में
हाइड्रोजन गैस जब CH2 के साथ जुड़ती है तो क्या बनता है, HCl बनता है। तो क्लोरीन के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ेगा यानी कि हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा आपका अपचयन यानी कि रिडक्शन रिएक्शन होगा। समझ में आया सबको? तो ये सब थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन और इसके एग्जांपल। तो आप सभी लोग रासायनिक अभिक्रिया के जितने भी एग्जांपल और जितने भी रिएक्शन बताएंगे उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए और बाकी अगले चैप्टर के जितने भी टॉपिक होंगे हम फिर से करवाएंगे। तब तक आप लोग इसको धीरे धीरे पढ़ते रहिए, फिर बाकी सब अडियो। ठीक है, बाय।